नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं नितिन कुमार। साथियों, लखीमपुर खीरी मामले में आज पुलिस ने रिमांड को लेकर 14 दिन की रिमांड पुलिस को चाहिए आशीष मिश्रा की, उसको लेकर सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि फैसला अभी तक नहीं आया है, सुनवाई के बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो साक्ष्य पुलिस ने अब तक बटोरे हैं उन साक्ष्यों के आधार पर कहीं ना कहीं पुलिस को 14 दिन की रिमांड जो है आशीष मिश्रा की वो दे दी जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आशीष मिश्रा के लिए जब कहा जा रहा था कि वो बेगुनाह है, कोई भी ऐसा प्रमुख साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सो मोटो के तहत सुनवाई करी, सरकार से सवाल पूछे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसे समन भेजा गया और दूसरे दिन वो जब पेश हुआ तो पुलिस ने जब उसके बयान किए तो बयान में कुछ हेरा फेरी जरूर नजर आई। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए, 14 दिन की रिमांड के लिए उसकी जो सुनवाई है वो लखनऊ वो सीजीएम कोर्ट में हुई है। अब से थोड़ी देर बाद उसका फैसला आ जाएगा। दूसरी तरफ अजय मिश्रा जो कि आशीष मिश्रा के पिता हैं, उन्हें आज लखनऊ तलब किया गया था। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे और अनुमान सबने यही लगाया था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे हिला हवाली क्यों हुई और इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कल एक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हम नेता इसलिए नहीं बने कि हमें फॉर्चुनर से जनता को कुचलना है, वोट हमें डरा कर नहीं जीतना है, हमें वोट भाईचारे से जीतना है, भाईचारे से पाना है, तभी अपनी सीट अपनी सत्ता को बचा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई राजनीति की। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो बयान आशीष मिश्रा ने अपने दर्ज करवाए थे उसमें काफी कुछ लूप पॉइंट्स जो थे वो पुलिस को मिले हैं और इसी वजह से पुलिस को अब 14 दिन की रिमांड के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई है। पहला लूप पॉइंट तो अगर जो मुझे जानकारी मिली है वो यही है कि जो थार जीप व्यक्ति चला रहा था जो कि घायल था और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई, जब आशीष मिश्रा से ये चीज पूछी गई कि थार उस दिन कौन चला रहा था तो आशीष ने भी ये बात कही कि हाँ ड्राइवर चला रहा था और उसने उस दौरान पीले कलर की धारी शर्ट पहनी हुई थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ये पता चला है कि जो व्यक्ति ड्राइवर था वो पीले कलर की धारी शर्ट तो पहने हुआ था, लेकिन जो वीडियो वायरल हुए थे उस वीडियो में जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, जो थार जीप चला रहा था, दरअसल उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी, सफेद शर्ट या फिर सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था और इस पूरे कार्यक्रम वाले दिन आशीष मिश्रा ने भी सफेद रंग के ही पोशाक पहने हुए थे, सफेद रंग का ही कुर्ता या शर्ट पहना हुआ था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये लूप पॉइंट लगा और उसके बाद आशीष मिश्रा से इसको लेकर इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए। हालांकि आशीष मिश्रा ने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आशीष ने कहा कि मैं जितना जानता हूं वो सारी चीजें आपको बता चुका हूं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। इसके अलावा आशीष से जब ये पूछा गया कि क्या तुम मौके पर मौजूद थे, थार गाड़ी में तुम मौजूद थे या फिर जब ये पूरी घटना हुई तो उस दौरान वहां पर मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, तो आशीष मिश्रा ने कहा कि नहीं, मैं बनवारीपुर में था जहां पर दंगल हो रहा था, मैं उस दौरान वहां पर था। तो पुलिस ने वहां का भी जो सीसीटीवी फुटेज है, वहां की जो डीबीआर है वो इकट्ठा करी और उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें निकल करके तो आई है कि हाँ वो बनवारीपुर में था, दंगल में था, लेकिन जब ये घटना घटी उस दौरान वो वहां पर था या नहीं था ये अभी भी संशय इस पर बरकरार है, इस पर पुलिस का कोई जवाब अभी खासा नहीं आया है। इसके अलावा कुछ और जो ग्रामीण हैं उनसे जब पूछताछ की गई तो उनका भी यही कहना था कि आशीष उस दौरान दंगल के कार्यक्रम में था, बनवारीपुर में था, लेकिन जब घटना घटी तो उस दौरान आशीष मिश्रा वहां पर नहीं था। ये तो बात हो गई लखीमपुर खीरी और उससे जुड़ी हुई अब तक की जांच पड़ताल की। अब दूसरी चीज अगर हम आपको बता दें तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल इस पूरे लखीमपुर मामले को लेकर पूरी तरह से इंसाफ की लड़ाई लड़ने को आतुर है, क्योंकि विपक्ष का यही कहना है कि जब तक हम जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें इंसाफ नहीं दिलवा देते हैं तब तक हमारी ये जो लड़ाई है ये चलती रहेगी। कल से समाजवादी पार्टी की एक रथ यात्रा निकलनी है जो कि कानपुर से शुरू होगी और ये हमीरपुर में जाकर खत्म होगी। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के जितने भी कमजोर हिस्से हैं जिन पर उन्होंने काम नहीं किया, वैसे तो अखिलेश यादव यही कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने अब तक कोई भी काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर करने के लिए हम अलग अलग जिलों में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और सबसे अहम बात यह है कि लखीमपुर की जो लड़ाई है, लखीमपुर में न्याय कैसे मिलेगा, न्याय कैसे मिल सकता है, इसको लेकर भी जनता के बीच जाएंगे और ये बताएंगे कि जो सरकार कहती है कि हम दमदार सरकार हैं उस दमदार सरकार को न्याय देने में आखिर समस्या क्यों हो रही है। अखिलेश यादव की बात हो गई। दूसरी तरफ आज राजधानी लखनऊ की गांधी प्रतिमा पे
प्रियंका गांधी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश की यूपी प्रभारी हैं कांग्रेस की, और लखीमपुर मामले में सबसे पहले पहुंचने वाली नेत्री हैं, उन्होंने आज राजधानी की गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर मौन व्रत किया हुआ है। कई सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और इन लोग का कहना है कि अजय मिश्रा का अगर इस्तीफा नहीं होता है तो अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो वो जांच में हेरा फेरी करेंगे, जांच में लापरवाहियां करवा सकते हैं, साक्ष्य को मिटाया जा सकता है, और इसी वजह से 4 दिन से ज्यादा हो गए गिरफ्तारी को लेकर के, क्योंकि साक्ष्य मिटाए जा रहे थे, और इसी वजह से हमारा ये मौन व्रत है। सरकार को, शासन प्रशासन को हमारी बात सुननी पड़ेगी। इसके अलावा प्रगतिशील समाज पार्टी भी अपनी एक रथ यात्रा कल से निकालने वाली है जो कि मथुरा से शुरू होने वाली है। उनका भी यही कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे और कई सारे प्रमुख मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाकर के ये बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने उन्हें 4.5 साल में क्या दिया है और अब आने वाले चुनाव में हम और बाकी पार्टियां किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आने वाले हैं। तो ये सब बात हो गई लखीमपुर की और लखीमपुर से जुड़े हुए न्याय की लड़ाई की और इसके अलावा कुछ राजनीतिक। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर लखीमपुर, मौन व्रत और ये रथ यात्राएं कितना इफेक्टिव होंगे 2022 के चुनाव के लिए। लखीमपुर की जो सुनवाई हो रही है जिसमें पुलिस अब रिमांड मांग रही है क्योंकि पुलिस के पास कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर मिले हैं, कौन कौन से वो साक्ष्य हो सकते हैं और कहां कहां पर ऐसा अब लगने लग गया है कि हाँ आशीष मिश्रा ने कुछ गलतियां करी हैं और इसी वजह से उसकी रिमांड मांगी जा रही है। और उसके अलावा कांग्रेस का मौन व्रत, समाजवादी पार्टी और प्रसपा का रथ यात्रा, ये कितनी अहम होंगी इस पूरे मामले को लेकर, लखीमपुर को लेकर और आने वाले 22 के चुनाव को लेकर। इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ते हैं और कुछ मेहमान आने वाले समय में थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले हम मेहमानों से जुड़ना चाहेंगे। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से जो कि पार्टी का पक्ष रखेंगे, और अभी डीपी यादव जी हैं प्रगतिशील समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ और मेहमान जो हैं वो हमसे जुड़ेंगे इस मुद्दे पर। सबसे पहले हम शाही साहब के पास चलना चाहेंगे। शाही साहब, ये आप लोगों ने कहा था कि साक्ष्य नहीं मिले हैं इस वजह से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन अब पुलिस रिमांड मांग रही है। पुलिस का जहां तक मुझे सुनने में आया है कि यही कहा गया है कि कुछ जो बयान जो आशीष मिश्रा ने दिए हैं पुलिस को, उस बयान में कहीं ना कहीं कुछ कमियां निकली हैं, कुछ हेरा फेरी निकली है और इसी वजह से अब पुलिस को रिमांड चाहिए। पुलिस और साक्ष्य बटोर के ले आई है और साक्ष्य के आधार पर ही पुलिस ने रिमांड मांगी है। तो एक तरफ पहले कहा जा रहा था कि आशीष मिश्रा निर्दोष है और उसके बाद अब इस तरह की कार्रवाई, दूसरी तरफ आपके जो विपक्षी दल हैं, आपके जो बाकी साथी हैं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल, वो लोग मौन व्रत कर रहे हैं, रथ यात्राएं कर रहे हैं ताकि लखीमपुर की जो न्याय की लड़ाई है वो और अच्छी तरीके से लड़ी जा सके, लोगों को इंसाफ मिल सके। नितिन जी, देखिए निर्दोष किसी ने नहीं कहा था जी। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता या कोई भी नेता का बयान आप ध्यान से सुनिए, आवाज इको हो रही है, जरा इसको सही कराइएगा। तो मैं ये देखना ये चाहता हूं कि हर जगह किसी भी बयान में, चाहे मैंने आपके साथ कई डिबेट किए, कई चैनलों पर मैंने खुद किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया, उसमें निर्दोष किसी ने नहीं कहा। वहां पर क्या मुद्दा था कि विपक्षी लोग अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, जांच करके जो भी दोषी होगा उसको वो पकड़ेगी और न्याय संगत कार्यवाही करेगी। हम लोगों ने निर्दोष किसी को नहीं कहा था नितिन जी, एक तो ये बात है। और अगर आज उनके खिलाफ साक्ष्य पाए जाते हैं, वो अगर दोषी हैं, तो पुलिस और न्यायालय न्याय संगत कार्यवाही करे, भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। दोषी, हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। अच्छा। ये सत्य है, चाहे कोई भी हो, ये बहुत पहले 2017 से हमारे यहाँ डिसाइडेड है। और अभी लखीमपुर कांड में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ गया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आ गया। रही बात इससे जुड़े हुए लोगों के राजनीति करने पर जो बात हो रही है, विरोधी दलों को नितिन जी सिर्फ और सिर्फ वो दिख रहे थे माननीय गृह राज्य मंत्री जी और उनके बेटे। जो 4 लोगों की लिंचिंग करके हत्या की गई, उनके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? आज भी बात नहीं हो रही है नितिन जी। तो सर, क्या वो किसी तो किसान के बेटे नहीं थे? आप लोगों को तो उसकी बात हम कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हमने तो उनको मुआवजा भी दिया, हम तो उनको सब कुछ कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन आज विरोधियों का क्या ऐसी संवेदना मर चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ पड़े हुए हैं? दोषी वो भी है, दोषी ये भी है जिनके खिलाफ सीधा सबूत दिख रहा है कि लाठियों से
बेरहमी से आक्रांता जो है उसको मार रहे हैं। नहीं और तो पहले शाही साहब शुरुआत से यही बात कही जा रही थी कि जब तक 302 304 में गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके बयान नहीं होंगे, तब तक ये कहना मुश्किल है कि वो आरोपी ही है या फिर प्रमुख आरोपी है या फिर सच में उसके ऊपर ये धाराएं बन रही हैं। लेकिन सारे विपक्षी दलों ने भी यही बात कही थी कि गिरफ्तारी होना जरूरी है। आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कोई साक्ष्य नहीं है, इस वजह से अभी हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये कहा जा रहा था लगातार। नहीं हम देखिए नितिन जी, फिर यही भ्रम की स्थिति होती है। हमारे तरफ से ये कहा जा रहा था कि पुलिस अपना काम कर रही है। जिस दिन पुलिस को पूर्णतया, क्योंकि जो भी चीजें चल रही थी वो विरोधी दलों के द्वारा, आम जनता के द्वारा, सत्ता पक्ष के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो वीडियो फुटेज उपलब्ध कराए जा रहे थे, यहां तक कि पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा था कि अगर आप लोगों को कोई वीडियो मिले तो उस पर आप डालिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो ये सारा चीजें जो है वीडियो फुटेज और वो साक्ष्यों के अनुरूप ही चल रहा था, क्योंकि एक डीआईजी लेवल का अधिकारी और एक जो है आईजी लेवल की अधिकारी वहां पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो सारी चीजें हम न्याय संगत ही कर रहे थे। विरोधियों ने जो हो हल्ला मचाया, क्योंकि हम लोगों ने 20 घंटे में वहां के परिवारों को शांत किया कि वहां आग ना भड़के, इस वजह से इन लोगों को ये दर्द हो रहा था। इन लोगों ने हल्ला मचाया कि बहुत बड़ा मैटर मिल गया, बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। अच्छा, कि इस समय गृह राज्य मंत्री का बेटा, तो ये इसीलिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं क्या, इसी वजह से ये लोग मौन व्रत कर रहे हैं क्या? रथ यात्रा देखिए, मौन व्रत करके तो शायद प्रियंका जी आई हैं, कल उन्होंने ज्यादा ही बोल दिया तो डॉक्टर ने उनको मना किया कि 20 घंटे बोलिए मैं 12 घंटे, नहीं तो जो है थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा। मौन व्रत करने वाले ये लोग हैं, ये लोग ड्रामा करने वाले लोग हैं। ये भाई बहन जो है, आपने यहाँ का वीडियो लखीमपुर का देखा होगा, जब ये जा रही थी हाथ हिलाते हुए, उसमें पीछे से चन्नी जी कह रहे थे हाय, ये वहां की संवेदना तो देखना पड़ेगा, आके लगा रहे वहां की समाज देखना पड़ा। कांग्रेस के अंदर, सपा के अंदर, बसपा के अंदर या जो भी आम आदमी पार्टी, इनके अंदर संवेदना नहीं रही। ये लोग लाशों पर राजनीति करना जानते हैं, चाहे वो 100 साल में एक बार आए हुए कोरोना के की क्षति के ऊपर, लाशों के ऊपर इन्होंने राजनीति की और आज जो है लखीमपुर पर कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हनुमानगढ़ की राजनीति क्यों नहीं करते हैं? 11 लोगों ने मारा था नितिन जी, 5 लोग गिरफ्तार अभी हुए हैं, वहां गिरफ्तार कराए। शाही साहब ये कह रहा था, ये शिवपाल यादव भी कल एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग की कमियां जनता तक पहुंचाएंगे, कानून व्यवस्था हो गई या अन्य मुद्दे हो गए। एकदम नहीं, एकदम जरूरी है। देखिए नितिन जी, ये विरोधी दलों का काम होना चाहिए। अच्छा, और जरूरी भी है। पर आप थोड़े सॉफ्ट हो गए। नहीं, मैं सॉफ्ट नहीं हो गया, मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र का मामला है। ये हमारे, अगर हमारी कोई कमी होगी तो प्रदेश की जनता को बताएंगे वो, और बताना भी चाहिए, विरोधी दल का ये काम है। अच्छा। मगर अब समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी अखिलेश जी पर। अच्छा। अखिलेश की जो सीटें जो आनी थी 10-20, उसमें भी वो सेंध लगाएंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं संगठन पर अच्छी पकड़ किसकी थी, वो थी शिवपाल सिंह यादव की। लेकिन अच्छा। जब से वो हटे हैं तो ये बुआ और बबुआ और सब कुछ संगठन सबके साथ जो है मिलकर देख चुके। चाचा के साथ न जाना इनकी कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आकलन करेंगे कि शिवपाल जी कितना इनका नुकसान करते हैं। शिवपाल जी के नाम से थोड़ा मतलब लग रहा है ऐसा? नहीं, शाही साहब आपकी बातों से लग रहा है कि शिवपाल जी को थोड़ा आप कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं। कैसा फेवर? एक जैसे विरोधी दल के सब लोग हैं वैसे शिवपाल जी भी हैं। शिवपाल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे जो है राजभर साहब भी लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी भी लड़ रहे हैं, बहन मायावती जी भी लड़ रही, तो ये सब लोग तो भाजपा से लड़ रहे हैं नितिन जी। ठीक, ये सब लोग लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं कुछ तय करेगी, ये चुनाव आयोग तय करेगा कि जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और वो विरोधी दल हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सब लोग लड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। डीपी यादव जी, ये बताइए, शाही साहब ने जो कहा लखीमपुर मामले को लेकर, पहले तो मेरा सवाल यही है कि पहले ये कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे थे कि साक्ष्य नहीं है, इस वजह से अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, साक्ष्य कोई लेकर के आए तब गिरफ्तारी करी भी जाए। अब जब उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसका बयान हो गया, तो एक के बाद एक कुछ साक्ष्य ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि पुलिस को रिमांड चाहिए। देखिए नितिन जी, लखीमपुर घटना बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना थी। 4 अक्टूबर को घटित हुई, जिस
प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप गुंडों ने किसानों को रौंदते हुए उनके सीने पर गाड़ी चढ़ाते हुए कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर दी, नरसंहार कर दिया, ये इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? जिस प्रकार से वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, कहीं जा रहे थे और पीछे से आकर के गाड़ी चढ़ाई गई, तमाम वीडियो आए, तमाम साक्ष्य आए, उसके पास बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से उनको टीवी चैनल के माध्यम से बचाने का काम कर रहे थे, वो किसी बेहाई और बेशर्मी से ज्यादा कुछ नहीं था। और उससे यादव जी, एक बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने मंच से ये भी कह दिया था कि ये तो जो हुआ बहुत कम हुआ, हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते जी। इससे शाही साहब कह रहे हैं कि वो निर्दोष नहीं, 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 नहीं। मैं शाही साहब तो बहुत अच्छे और काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लखीमपुर खीरी को लेकर के इन लोगों के अंदर भ्रम आ गया। कैसे लोग यहाँ किसानों के मतलब कुचलने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता को बचाने के चक्कर में पड़ गए। और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका भी बयान कुछ दिन पहले आया था कि मेरा इतिहास जान लो, मैं किस प्रकार से सबक सिखाऊंगा, तुम लोग सोच नहीं सकते हो। अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर थोड़ी भी नैतिकता रहती तो उसी दिन उनका इस्तीफा ले लेते, लेकिन प्रधानमंत्री जी दूसरे दिन यहाँ आते हैं 5 अक्टूबर को, आपके स्टूडियो से चंद कदम की दूरी पर रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन लखीमपुर जाने की वो जहमत नहीं उठाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि जाएं और वहां जो किसान प्रताड़ित हुए हैं, जिनके बाप बेटे खत्म हुए वहां पर, उनको रौंदा गया है, थोड़ी उनके साथ भी सहानुभूति दिखाएं, उनको थोड़ा मरहम पट्टी लगाएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं थी, ना वहां मुख्यमंत्री ही गए। आप बताइए ये कहां की नैतिकता है, किस प्रकार से वहां हत्या हुई जिस प्रकार से, और लोग इस तरह से टीवी पर उनको बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शाही जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। 2022 का चुनाव होने वाला है, किस प्रकार से जनता आपके विधायकों को, आपके मंत्रियों को भगा रही है गांव से, वो आप दृश्य देखिए। शाही साहब क्या कह रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे थे आप? जी नितिन जी, मैं जवाब दे रहा था। देखिए भाई, जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी से निकली हुई पार्टी, और नैतिकता का पाठ आज जो है देश में ये लोग पढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये साथ में थे चुर्क में, जो है मुलायम सिंह यादव जी ने जब एक नरसंहार कराया था, पुलिस को पुलिस से गोलियां मरवाया था। अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इतिहास में आ रहा हूँ, बहुत कुछ देखने को मिलेगा शाही जी। वर्तमान को पहले देखिए ना, यादव जी, यादव जी, शाही जी अगर वर्तमान नहीं देखते हैं तो भविष्य खराब हो जाएगा। इतिहास पहले देखिए, वर्तमान पहले देखिए। चिंता अपने दल के भविष्य की चिंता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, नहीं नहीं, हमारे दल का भविष्य देखिए, वो तो, अरे वो तो अभी एक सर्वे आया किसी चैनल पर, मैं देख रहा था, वो तो हमारा भविष्य उसने बता दिया कि हमारी सरकार बन रही है। भविष्य की पटकथा आपके लिख दी लखीमपुर खीरी ने, जिस प्रकार से आपने किसानों को रौंदा है। अरे भाई, मैंने नहीं बोला आपके बीच में, लिख दी गई है नितिन जी, मैंने तो भाई डीपी भाई के बीच में नहीं बोला, बीच में क्यों बोल रहे हैं, जवाब बीच में क्यों? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपने, अगर डीपी यादव जी अपने दादा, अपने पिताजी, चाहे मैं अपने पिताजी, अपने दादा, अपने चाचा का नाम भूलना चाहूँ तो भूल सकता हूँ? नहीं। इसलिए हमको भविष्य में जाना पड़ेगा तो वर्तमान में भी जाना पड़ेगा। हमारा यह भविष्य बता रहा है, पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि चुर्क की फैक्ट्री बिकी थी, जब मजदूर हड़ताल कर रहे थे तो गोलियों से भुनवाने का काम कौन किया? माननीय मुलायम सिंह यादव। कार सेवकों को मरवाने का काम उन्होंने किया। वहां पर राम मंदिर पर चढ़ा दिया, वहां पर अयोध्या में, और आपके नेता पीछे से भाग गए। कौन आपके नेता शहीद हुआ? कार सेवकों को आग में झोंक दिया, इसके लिए नहीं देते माफी मांगेंगे। किसी के बच्चे, किसी के माँ, किसी के बाप, किसी का बेटा वहां पर मर गया। बस बस, मैं आ रहा हूँ शाही साहब, मैं आ रहा हूँ। इसमें तो आपको माफी मांगनी चाहिए शाही साहब। जवाब दे रहा हूँ तो डीबी भाई के बीच में, शाही साहब मैं आ रहा हूँ। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस से हम ऐसा जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल साफ। ये शाही साहब बता रहे थे कि कल प्रियंका जी कुछ ज्यादा उधर लखीमपुर में बोल बोल गई थी, तो कुछ गले का उनको प्रॉब्लम हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा मौन रही है, इसी वजह से आज मौन व्रत में बैठी है। देखिए, बात ऐसी है कि ये व्यंग वाली बात है। बात यह है कि सनातन धर्म की परंपरा है कि जब भी अन्याय हुआ है कहीं, अपराध हुआ है कहीं, तो वहां और सुनवाई ना हो रही हो तो इस तरह से मौन व्रत से, अहिंसा के मार्ग से,
अपनी बात वो सामने रखी जाती है, यह बात इनको भी मालूम है। अभी न्याय यात्रा चालू होने वाली है, उस अन्याय के खिलाफ जो हाथरस में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जो आम जन के साथ हो रहा है, कभी रसोई गैस के दाम बढ़ जाते हैं, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी डीजल के बढ़ रहे हैं, बिजली के बढ़ रहे हैं, गड्ढा मुक्ति जो सड़कों की बात कर रहे हैं, ये गड्ढा युक्त सड़कें हैं, उनका जो अन्याय है, बेरोजगार जो नौजवान है उनका जो अन्याय है, तो किसी को भी देशद्रोही कह देते हैं जो सवाल करता है उनसे, मंदिर की जो इन्होंने प्रॉपर्टी सस्ते रेट की महंगी रेट बेच दी, प्रॉपर्टी डीलिंग करी, वो जो अन्याय है, उसके लिए जो न्याय यात्रा होने वाली है, रोजगारना देने के लिए न्याय यात्रा होने वाली है, पलायन के लिए इन्होंने विवश किया है लोगों को, इसके लिए न्याय यात्रा होने वाली है, लोगों के मन में जो नफरत इन्होंने भरी उसके लिए कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा होने वाली है, और ये न्याय यात्रा जब किसानों के बीच में जाएगी। नहीं नहीं, ये अभी अभी आज जो आप लोग का सुनिए, आज जो सुनिए, अभी आज जो आप लोग का मौन व्रत हो रहा है उसके लिए इन्होंने बताया कि प्रियंका जी को डॉक्टर साहब ने कहा है कि थोड़ा शांत रहे, इस वजह से वो मौन व्रत पे बैठ गई हैं। जो देश में जो राजा हो, राजा को रक्षक भी कहा जाता है, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो ये मौन व्रत रखना पड़ता है। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनका काम इस देश में इस देश का ताने बाना सही रहे, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, जब वो खुले मन से 25 तारीख को किसानों को खुले मन से चेतावनी दें कि 2 मिनट में सुधार दूंगा, इलाज कर दूंगा, उनका बेटा नरसंहार कर दे किसानों का, और उनकी गिरफ्तारी ना हो रही हो, और मंत्री का इस्तीफा ना हो रहा हो, और इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा से, वो खुले मन से कहते हैं 1,000 नौजवानों को तैयार रहने के लिए, किसानों को लट बजाने के लिए, और आह्वान करते हैं कि अगर जेल भी चले जाओगे 2-3 महीने में तो आप लोग लीडर बन जाओगे। ये क्या नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि प्रतिक्रिया हो, हिंसा हो, किसान अहिंसा से हिंसा के मार्ग पे चल पड़े, या इन्होंने जो 2 रुपए की ट्रोल आर्मी बनाई है, वो 2 रुपए की ट्रोल आर्मी वो खुद हमला करना चालू कर दे। लखीमपुर में भी यही हुआ, नेताजी का बेटा अहंकारी हो गया और उसने हत्या कर दी, इनका मंत्री खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए, उस भक्षक की गिरफ्तारी के लिए मौन व्रत आज करना पड़ रहा है, मजबूरी में एक महिला के मौन व्रत करना पड़ रहा है। इनको फर्ज है ये कि इनको उसे बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकता, उसका डर है वहाँ मंत्री का, वहाँ किसानों के मन में भी डर है और आम जनता के मन में भी डर है। ये क्या क्राइटेरिया है, ये किस हिसाब से मंत्री बनाते हैं? एक ऐसा मंत्री जो खुद अपराधी हो, जिसपे अपराध के मामले चल रहे हो, जिसपे 302 जैसे मामले चल रहे हो, अपहरण के मामले चल रहे हो, जिसपे तस्करी के नेपाल तक के मामले चल रहे हो, क्या क्राइटेरिया रहा है? क्या ये चरित्र की बात करते हैं? क्या जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? आप इनसे सवाल पूछिए। गोरखपुर में जो हथियारी पुलिस है, जो 6 हथियारे पुलिस वाले हैं, वो आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि अपराधी इनकी सरकार में फल फूल रहे हैं? आप इनसे सवाल ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ। जी शाही साहब, आपने सुना अभिमन्यु जी के सवाल, उनके जवाब तैयार हैं आपके पास? जी नितिन जी, कुछ पहले के आधे वक्तव्य में थोड़ा सा आवाज मुझे धीमा आ रहा था। इन्होंने देखिए 2-3 चीजें कही हैं। इन्होंने कहा कि गोरखपुर में जो हत्या हुई वहां हत्यारे पुलिस वाले अभी भी घूम रहे हैं। दूसरी चीज इन्होंने मौन व्रत को लेकर कहा, जिसके लिए आप कह रहे थे कि डॉक्टर ने कहा है प्रियंका गांधी को कि मौन व्रत रहे, तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है, इस वजह से हम मौन व्रत पे हैं, क्योंकि गृह मंत्री, गृह विभाग में अगर एक गृह राज्य मंत्री बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो जांच को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। और क्या क्राइटेरिया आप लोग अपना सेट करते हैं किसी को बनाने के लिए, जिसके ऊपर अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं, हत्या जैसे मामले दर्ज हैं, और आपने उस व्यक्ति को मंत्री बना रखा है, वो भी गृह विभाग में, तो ये सब चीजें उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा कि आपसे पूछो और आप जवाब दें। नितिन जी देखिए, थोड़ा सा एक निवेदन आपसे ये है कि मैं, हम लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं तो आवाज आने में जाने में थोड़ा 2-3 सेकंड की थोड़ी सी देरी होती है, तो कृपया अगर कोई बीच में बोलेगा तो जवाब जाने। मेरा निवेदन है कि अपने मित्र का, इन्होंने कहा एक, मुझे समझ में आया कि सनातन में कोई ऐसी प्रथा है जब मौन व्रत रखा जाता है तो उसको श्रद्धांजलि होती है, क्या होता है, ऐसा कुछ कहा इन्होंने। एकदम अच्छी बात इन्होंने कहा, बहुत बहुत बढ़िया कहा, लेकिन मैं सनातन पर ही एक सवाल खड़ा करता हूं। रॉबर्ट की बीबी जिसके बच्चे का नाम रेहान और मारिया है, जो है संप्रदाय, उसका उदाहरण नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा नितिन जी आपके माध्यम से, सर, जो राजीव गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री थे, 5,000 सिखों की जब हत्या हुई थी,
तो क्या वो प्रधानमंत्री रहते हुए जांच पर क्या उस पर जो है वो प्रभाव नहीं डाल सकते थे? उन्होंने आपसे इस्तीफा देना, आज कांग्रेस नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, और उस समय जब उन्होंने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सिखों की हत्या हुई थी और उस समय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय राजीव गांधी वहां पर थे, क्यों नहीं इस्तीफा दिया उन्होंने? उनको जांच पर उन्होंने क्यों, उन्होंने तो देश के मुखिया थे, देश के प्रधान थे उस... जी इन लोगों को ये करना है, वो केंद्र में मंत्री बन के बैठे हैं, दोनों लोग पावरफुल हैं, आप क्या सर एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, आप लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, एक एक करके बोलिए तभी आवाज आएगी। आप क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस 1984 के मामले में माफी मांग चुकी है, क्या आपने कभी गोधरा दंगे के लिए माफी मांगी? आप जवाब दीजिए, गोधरा दंगे एक एक करके बोलिए तभी आवाज आएगी आप लोग की। पार्टी ने माफी मांगी है त्यागी जी, आप बताइए त्यागी जी, एक एक करके बोलिए भाई तभी आवाज आएगी, स्काइप से जुड़े हुए हैं आप लोग। अच्छा जी, हाँ जी शाही साहब आपकी बात पूरी हो गई जी, नितिन जी हाँ त्यागी साहब क्या कह रहे थे आप? तो शुरू हुई थी, मैं कह रहा हूँ कि आज हनुमानगढ़ में जी एक त्यागी जी एक मिनट त्यागी जी मैं आ रहा हूँ आगे आपके पास, एक मिनट रुकिए शाही जी का जवाब हो जाए फिर उसमें आपके पास आता हूँ जी। शाही जी बताइए, एक दलित की नृशंस हत्या 11 लोगों ने किया है, अभी 5 लोग गिरफ्तार हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, किसी कांग्रेसी के मुंह से वहां का नाम निकला? और दूर तो उससे भी हद कब हो जाती है कि वहां के नेता सचिन पायलट जी उत्तर प्रदेश और लखीमपुर आते हैं, वहां नहीं जाते हैं वो, तो क्या कहा जाएगा? ये कांग्रेस जो है लाशों पर राजनीति नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? यहाँ उत्तर प्रदेश में 5-6% की पार्टी है ये, और इसको ये अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। ये किसानों के साथ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ नहीं है, इनको हनुमानगढ़ पर एक बयान देना चाहिए, इनको क्या कहते हैं कश्मीर में जो कांड हो रहा है उस पर हिंदू मारे जा रहे हैं, उस पर कभी एक हो गया। हमारे साथ राजी हुसैन जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राजीव मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल आप लोग एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोने उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये शुरू होकर हमीरपुर तक जाएगी, और आप लोग उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की जो नाकामियां हैं वो बताएंगे, लेकिन सबसे अहम नाकामी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि लखीमपुर में जिस तरह से किसानों को कुचल के मार दिया गया है, तो ये वाली जो घटना है ये हम लेकर के जनता के पीछे जाएंगे और बताएंगे कि दमदार सरकार किस तरह से न्याय दिलाती है। शाही साहब कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोग ये इस पूरे मामले को बेफिजूल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ये नहीं जान रहे कि जिस व्यक्ति के साथ या जिन लोगों के साथ लिंचिंग हुई है उनके घर आप लोग ने कभी नहीं गए, और आप लोग इस मुद्दे को हवा देने में लगातार लगे हुए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये दोहरा रूप रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लोग लखीमपुर कांड पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र पीछे का नहीं देख रही। कोरोना के समय पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जिस तरह से जनता तराही तराही कर रही थी और लहसों के ढेर लगे हुए थे, तब भी प्रधानमंत्री जी अपना प्रचार प्रसार आज लोगों के अखबारों पर कर रहे थे, हिंदुस्तान न्यूज के चैनलों पर और पेपरों पर सबकी फोटो छाई हुई थी, योगी आदित्यनाथ जी की फोटो छाई हुई थी। लाशों पर राजनीति करने वाले आज खुद बता रहे हैं कि समाजवादियों को, हम समाजवादी लोग जनता के लिए लड़ने के लिए राजनीति करते हैं, जनता को न्याय दिलाने के लिए राजनीति करते हैं, जनता के हक के लिए लड़ते हैं, और आप लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं राजनीति और लाशों पर राजनीति करते हैं। पूरे कोरोना काल में आपने गंगा घाट पर नहीं देखा, आपने गंगा घाट पर राजनीति की, आपने लखनऊ में ये बैकुंठ धाम पर राजनीति की, हर समय जब जब भी कोई ऐसा जो आपातकाल आता है, कोई भी बुरा वक्त उत्तर प्रदेश में आता है, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, और उसका मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय और नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो ये रथ यात्रा काहे के लिए खड़े होते हैं, रथ यात्रा काहे के लिए रहेंगे जनता के, ये रथ यात्रा काहे के लिए, कल आप लोग भी रथ यात्रा कर रहे हैं, चाचा शिवपाल यादव भी रथ यात्रा कर रहे हैं, क्यों एक साथ क्यों नहीं कर रहे भाई आप लोग? नहीं नहीं हमारे नेता परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के और चाचा माननीय शिवपाल जी, ये देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि परिवार एक है, हमारे चाचा हैं, हमारे मान्य हमारा उनका सम्मान है, सदैव सम्मान है, और हमारे चाचा शिवपाल जी की भी एक अलग एक पार्टी है,
ये त्यागी जी, त्यागी जी हंस रहे हैं आपकी बात पे। सुनिए, त्यागी जी हंस रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। त्यागी जी हंस रहे हैं, त्यागी जी देखिए, त्यागी शाही साहब भी हंसने लगे, शाही साहब भी हंस रहे हैं। अगर तो उनको ये भी पता होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय इस समय इस बुरी स्थिति में फंस चुके हैं, लॉकडाउन की, कोरोना की, जीएसटी की, बढ़ते दामों की, नहीं ये चाचा वाली और परिवार वाली जो बात कर रहे थे उस पे आइए। सुन लीजिए, सारे मामलों में फंस चुके हैं, तो अब क्या करें, इनके मुंह से हंसी निकलेगी। और वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के विकास से खुश है, मुस्कुरा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि क्यों मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा रही है विवेक तिवारी हत्याकांड पर, मुस्कुरा रही है लखीमपुर हत्याकांड पर, मुस्कुरा रही है ये शमशान में जो इतनी लाशें जलाई गई, कोरोना पर फेल हुई जो भारतीय जनता पार्टी, उस पर जनता मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा रही है कि आने वाले समय पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। और उत्तर प्रदेश आप में ये चाचा वाली बात क्या कर रहे थे कि चाचा परिवार के क्या चीज बता रहे थे? हाँ, आ रहा हूँ त्यागी जी, आ रहा हूँ, एक मिनट बस, एक मिनट। हाँ। देखिए, हमने आपसे फिर कहा कि हम परिवार के लोग हैं और उनकी भी एक अलग पार्टी है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि किसी भी बड़े दल से समझौता नहीं होगा, सभी छोटे दल या परिवार। आज तक डेडलाइन थी, आज कोई डेडलाइन थी डीपी भाई, कोई डेडलाइन थी आज क्या सहमति बनने की? नहीं देखिए, जैसा कि पहले से ये प्लान था कि मथुरा से श्री कृष्ण की जन्मभूमि से एक रथ यात्रा निकलेगी जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएगी, 400 विधानसभा में जाएगी। हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी उस रथ के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है, जो किसानों को टायर से कुचलने का काम कर रही है, जो जब बेरोजगार नौकरी मांगता है तो उनको डंडों से पीटने का काम करती है, अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, लोग असमय बिना इलाज के कारण रहे हैं, कहीं ना कहीं जो थाने हैं, जो तहसील हैं, वो दलाली के अड्डे बन गए हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो इससे जनता को छुटकारा दिलाने के लिए 2022 में एक विकल्प प्रस्तुत करने के लिए शुरू से देखिए, जब से पार्टी बनी है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने एक ही नारा दिया है, सिर्फ गैर भाजपावाद का। इसके तहत जो समान विचारधारा के दल हैं, लोहियावादी, चरण सिंहवादी, जो भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, उनको एक मंच पर लाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश जी से बातचीत नहीं बनी, इस वजह से अलग अलग रथ यात्रा। नहीं देखिए, बीजेपी तो हमेशा चाहती है किसी से किसी की बात न बने, ये अपनी बात बनवाते हैं, अपनी केवल बात बनाते हैं। और 2017 से पहले बीजेपी की क्या स्थिति थी देखिए, 2017 से पहले तो बीजेपी चौथे पांचवें नंबर की पार्टी थी, तो ज्यादा मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कब अच्छा। किसकी क्या स्थिति हो जाए, जब भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठन हुआ, 84 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव हार गए। वाजपेयी जी का ये स्टेटमेंट है रिटर्न में, पढ़ ले शाही जी, उन्होंने कहा अब तो राजनीति से संन्यास लेने का मन करता है। ले लिया संन्यास क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने? ठीक है, ठीक है। लेकिन जब समय आता है तो उस हिसाब से जनता विकल्प चुनती है, समय के हिसाब से सत्ता से दूर भी करती है दलों को। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। शाही जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, त्यागी जी क्या कह रहे हैं आप, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से 23 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 40 रुपए के पेट्रोल पर 60 रुपए का कमीशन लेकर बना लिए है, और साथ में बिजली को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, एशिया की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है 7.5 रुपए यूनिट, उसी तरह से रसोई गैस जो है 350 रुपए से बढ़ के 400 रुपए से बढ़ के आज 1000 रुपए पहुंच गया, और टोल टैक्स के रेट बढ़ रहे हैं लगातार, जो दाल 70 सालों में 70 रुपए किलो नहीं हो पाई थी वो इनकी सरकार में 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। आप देखिए, जो सरसों का तेल 100 रुपए लीटर था पिछले साल तक, आज वो 200 रुपए लीटर बिक रहा है, जो रिफाइंड तेल 100 रुपए था आज वो 200 रुपए पहुंच चुका है, हर चीज में महंगाई आ चुकी है। तो उधर इस लॉकडाउन की वजह से जो गलत तरह से लगाया गया कुप्रबंधन जो था, पहले नोटबंदी का कुप्रबंधन था, फिर जीएसटी का कुप्रबंधन था, अब 2 साल से ई कॉमर्स कंपनियां तो लगातार चालू है, नहीं ये दुकानदार है, ये बंद है, धंधे चौपट हो गए हैं। त्यागी जी, 2 करोड़ रोजगार की बात थी, रोजगार नहीं मिले। मेरा कहने का मतलब है, मेरी बात कम्प्लीट हो जाए, किसान परेशान, नौजवान परेशान, दुकानदार परेशान, महिलाएं परेशान, पिछड़ा परेशान, दलित परेशान और सामान्य जाति का हर कोई आज इनसे परेशान है, इनके खिलाफ मुद्दे ही मुद्दे हैं।
और ये अभी कमेंट में है, इन्हें अभी पता ही नहीं है कि चुनाव में इनकी पूरी हार होने वाली है। ये कह रहा था अभी रजी हसन जब बता रहे थे रथ यात्रा निकलने वाली है और कुछ चाचा और परिवार की बात हो रही थी, कुछ आप मुस्कुरा रहे थे। वो परिवार का विवाद है, उसमें हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है शाही साहब क्या कह रहे थे, कहना चाहते हैं जी शाही साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? जी देखिए, मैं चाचा और भतीजे की बात से शुरू करके और कांग्रेस तक आना चाहता हूँ। हाँ, चाचा और भतीजे में चाहे कह रहे हैं कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, अभी एक प्राइवेट चैनल के कॉन्क्लेव में जो है मैंने सुना शिवपाल जी बोल रहे थे कि 11 या 12 तारीख का डेडलाइन मैंने दिया है, अगर अखिलेश जी आएंगे नहीं तो हम भी अपनी रथ यात्रा निकालेंगे। उनके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। आपको बधाई, हमारी ताकत और मजबूत होगी। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सभी लोग जुड़े, सभी दल जुड़कर भारतीय जनता पार्टी का ऐसे नहीं, शाही साहब को बोल लेने दीजिए फिर। हाँ भाई भाई, अगर जो नेता है भाषण ही देना चाहते हैं, रजी हसन एक तो लेट आए हैं, ऊपर से फिर इंटरप्ट भी कर रहे हैं बीच में, नहीं ये उचित नहीं है। देखिए, उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में मैंने पहले भी कहा कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन चाचा और भतीजे के पास नहीं गए, भतीजा चाचा का सम्मान नहीं कर रहा है। और मैं डीपी भाई आपको बताना चाहूंगा, जो आपने कहा मैं किसी दल के संख्या पर नहीं जा रहा हूं, मैं कभी नहीं गया। हम जानते हैं क्या होता है चुनाव, जब 80 में पार्टी बनी तो हमारे पास भी दो ही सांसद थे, और आपने सच कहा है, ये हमारे नेताओं ने कहा था, वो बात सही है, कोई वो गुनाह नहीं है। लेकिन आज की जो चीज परिस्थितियां हैं, चाचा और भतीजे का इनकार और इकरार, इस पर थोड़ा सा एक हंसे हमारे मन से हंसी निकली कि भाई चाचा इंतजार कर रहे हैं, भतीजा कुछ बोल ही नहीं रहा है, भतीजा इधर चाचा को छोड़कर बुआ के पास चला गया, कहीं सफल नहीं हुआ, और आने वाले सर्वे बता रहे हैं कि फिर से फेल होने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के अभी आपको त्यागी जी कह रहे थे, आपको भी शायद याद होगा, आपके कैबिनेट मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ने आपको इस्तीफा दिया आपकी गलत नियुक्तियों के साथ में, ओम प्रकाश राजभर जी, आप शायद आपको याद होगा इस बात को, आपको आपकी जिस तरह की गलत नीतियां उत्तर प्रदेश में थी उसको त्यागते हुए, उसको छोड़ते हुए आपको त्याग दिया, भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया, क्योंकि वो जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जंगल महाराज जंगल राज चल रहा है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी में रहना दुभर हो चुका था। एक लाइन है, मैं पूरा कर लेता हूँ। कांग्रेस के हमारे मित्र अभी सब कुछ पर चलते चलते महंगाई की तरफ चले गए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ त्यागी जी आपको, 1241 रुपए का सिलेंडर 1 जनवरी 2021 को, वो क्या नाम 14 को था, हमने खरीदा है, 200 रुपए की दाल भी हमने और नितिन जी ने भी खरीदी है, ये 2009 की बात है, तो आप उधर मत जाइए महंगाई के तरफ। आप आइए, आप अगर उन्होंने 200 किया तो आप क्या ठान लिए 400 करने के लिए? आज अरे कंपटीशन करना है तो भाई विकास में करिए, उत्तर प्रदेश में विकास चाहिए जनता को, जंगल राज नहीं चाहिए शाही जी, जंगल राज नहीं चलेगा, विकास ढूंढ रही जनता, विकास भारतीय जनता पार्टी का कहां पर है विकास बताइए, उत्तर प्रदेश में जमीन पर एक भी काम किया योगी जी ने बताइए, सारे कामों को सिर्फ नाम बदला है, ये खाली ये एक्सेप्ट करिए। हम योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम कर दिया वो मील का पत्थर साबित होगा, एक एक्सप्रेस बनाने के बाद डपली बजा बजाने एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके पांच एक्सप्रेस वे का बात कीजिए, आप 48 मेडिकल कॉलेज की बात सोचिए, 2 एम्स की बात सोचिए, कहाँ हैं आप लोग, बहुत पीछे छूट गया है। अरे इतना हॉस्पिटल आपने बनवा दिया कि लोग लाशों के ढेर लग गए, उत्तर प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली है, नदियों में लाशें बहाने पड़ी शाही जी, रहने दीजिए, आपने अपनी गाथा आप मत कहिए अपने मुंह से। हमारे हमसे कम आबादी है, उसकी आबादी 34 करोड़ है, और एक एक करके बोलिए। अभी देखा कोई पत्रकार गया था, त्यागी जी आ रहा हूं मैं, नहीं दिख रहे थे पूरा यहां से वहां तक, तो कितने लोग अमेरिका में मरे उसको भी देखिए, हमसे बहुत आगे था, तो लाशों के ढेर पर मत जाइए, ये महामारी 100 साल में एक बार आई थी, और आप लोगों ने नारा दिया था काम बोलता है, तो काम ने बोला, जनता को ठगने का काम तो आपने
रिवर फ्रंट से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता को किया है, ठगा है। कहां कहां गिनाए आपको? कोरोना के आड़ में, कोरोना के आड़ में, कोरोना के आड़ में घोटाला किया है, ठगा है। चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, हर तरह से आप लोग खेल रहे हैं, हर तरह से आपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ व्यापार किया है, लाशों के साथ व्यापार किया है। आप लाशों पर व्यापार करने वाले लोग हैं भैया, आप लोग लाशों पर व्यापार करने वाले लोग हैं। आप लोगों को सिर्फ व्यापार चाहिए, मगर उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव जैसा विकास चाहिए, अखिलेश यादव जैसा आजमगढ़ कितने दिन गए? एक एक करके बोलिए भाई, ऐसे किसी की आवाज नहीं आएगी। त्यागी जी, कितने दिन? त्यागी जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऐसे आवाज नहीं आएगी। स्काइप से जुड़े हैं आप लोग ना, मैं आ रहा हूँ, प्लीज प्लीज मैं आ रहा हूँ। त्यागी जी एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। हाँ शाही साहब, क्या आपकी बात हो गई? आप कुछ कह रहे थे? मैं पूछ रहा था कि अभी आ रहा हूं त्यागी जी, प्लीज आ रहा हूं। सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बहुत कोरोना में काम हुआ, बहुत कुछ हुआ। आप अखिलेश जी बता दें कि एक कितने दिन वो अपने कांस्टिट्यूएंसी में गए, आजमगढ़ या कन्नौज? ठीक है, बता दें हमको कोरोना। ठीक है सर, आ गई आपके पास। हाँ त्यागी जी क्या कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। बकाया नहीं हुआ है, 14,000 करोड़ का गन्ने का बकाया प्रदेश सरकार पे किसानों का है। जब ये विपक्ष में थे तब 450 रुपए क्विंटल गन्ने की मांग करते थे, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में भी लिखा 375 रुपए क्विंटल दाम दिया जाएगा। इस सरकार में कुल 35 रुपए क्विंटल रेट बढ़ा, 10 रुपए 2017 में, अब 2021 में 25 रुपए। आज गन्ने का दाम है 340 रुपए क्विंटल। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया गया वादा भी क्यों नहीं पूरा किया? बिजली के दाम 120 रुपए किलोवाट से 170 रुपए किलोवाट कर दिए, खेती में लागत बढ़ा दी। जो डीएपी का कट्टा 1200 का था वो 1500 का पहुंच चुका है, जो एनपीके का कट्टा 1150 का था 1750 का पहुंच चुका है, जो नीम कोटेड यूरिया खाद का कट्टा 270 का 50 किलो था आज उसका वजन घटा के 45 किलो कर दिया है। लखीमपुर मैं ये कह रहा था, त्यागी जी ये बताइए, त्यागी जी ये पूछ रहा था लखीमपुर मामले पे, अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि आज प्रियंका गांधी मौन व्रत पे तो बैठ गई, अब इसके आगे क्या होना? अगर अभी भी इस्तीफा नहीं हुआ तब कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ है, न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। चाहे वो मंत्री जो इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टैनी है, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरह का अन्याय हो, चाहे उन्नाव जैसा अन्याय हो, सोनभद्र जैसा अन्याय हो, हाथरस जैसा अन्याय हो, मेरठ आजमगढ़ में सीएनआरसी जैसा अन्याय हो, चाहे किसानों पर लखीमपुर खीरी जो गाजीपुर बॉर्डर में अन्याय हो रहा है, चाहे वो अन्याय हो, चाहे महंगाई का अन्याय हो, चाहे रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं उसका अन्याय हो, चाहे रोजगार के लिए अन्याय हो, हर तरीके के अन्याय के खिलाफ ये न्याय यात्रा चालू होने वाली है। जब ये गाँव में पहुंचेगी तो किसान जुड़ेंगे और ये फिर किसान यात्रा हो जाएगी। जब ये नौजवानों के साथ जुड़ेगी तो नौजवान जब ये यात्रा करेंगे तो ये रोजगार न्याय यात्रा हो जाएगी। और प्रदेश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग इकट्ठा होकर खुद इनके खिलाफ आ खड़े हुए हैं, लोग इनको जान चुके हैं, इनका घमंड अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ठीक है सर, आ गई आपके पास। डीपी यादव जी क्या कह रहे थे आप? देखिए आज उत्तर प्रदेश में हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, परेशान है, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, किसी को भी भारतीय जनता पार्टी ने संतुष्ट नहीं किया है, न किसी के हित के लिए कोई काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से छुटकारा चाहती है, वो एक बेहतर विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं दूसरे दल को देख रही है, और इसी सब को देखते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव एक बेहतर विकल्प देने की 2022 में कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए कहाँ का ये न्याय है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अभी तक बर्खास्त नहीं किए और आप वहां न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? थोड़ी सी भी अगर नैतिकता रहती प्रधानमंत्री के अंदर तो तुरंत उनको बर्खास्त करते, उसके बाद न्याय की प्रक्रिया आगे शुरू होती, जांच शुरू होती, और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कभी दिल्ली बुलाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ बुलाते हैं, यहाँ वहां की दौड़ कराते हैं, उनको सीधे इस्तीफा लेना चाहिए, हटाइए उनको। और पूरा देश देख लिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किस प्रकार के नगीने नमूने हैं उनके मंत्रिमंडल। अच्छा, ये जो 5 दिन बाद जिनके ऊपर 302 का मुकदमा हो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का शोभा बढ़ा रहा है,
पांच दिन बाद जो ये गिरफ्तारी हुई है तो क्या उसमें भी कुछ गड़बड़ किया गया? बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। कहीं ना कहीं साक्ष्यों से छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, अब नहीं बच पाए, विपक्षी दलों का दबाव था तो जाके इनकी गिरफ्तारी हुई है। अगर विपक्षी दल इतना दबाव ना देते तो शायद ये तो उनको सर्टिफिकेट दे दिए होते, निर्दोष है, जाइए घूमिए। और उसके ऊपर से देखिए किस प्रकार से तमाम टीवी चैनलों पर उनका बयान आ रहा था, उनके इंटरव्यू आ रहे थे आशीष मिश्रा के, ये बहुत शर्म की बात है। थे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद दिया था, एफआईआर दर्ज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने सोकार फोटो लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था। शाही जी आप देखिए टीवी चैनल पर आया करिए तो सारे तथ्यों की जानकारी लेकर के आया करिए, टीवी चैनल पर आइए तो सभी तथ्यों की जानकारी लेकर के आइए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया जब फटकार लगाई उत्तर प्रदेश की सरकार को कि 302 का मुजरिम कैसे खुलेआम घूम रहा है, उसके बाद से उसकी गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर दर्ज हुआ था गायत्री प्रजापति, उसके बाद अरे आप गायत्री के कहां चक्कर में पड़े हुए हैं, यहां टोनी को नहीं देख रहे हैं आप, अपने आशीष मिश्रा को नहीं देख रहे हैं आप, अभी आप इतिहास में उलझे हुए हैं। फिर मैं कह रहा हूँ क्षमा मांगिए देशवासियों से, क्षमा मांगिए देशवासियों से, आप लोगों ने एक्सीडेंट करवा कर इस प्रकार से रोने का काम जो किया है आपने ना, उसके लिए देश आपको क्षमा नहीं करेगा। आप ही की पार्टी के कुलदीप सिंह सहगल ने गरीब महिला की गरीब बेटी का इतिहास में जाना चाहते हैं तो आप ही के आईपीएस आपका तो यही चरित्र अभी गिरफ्तार चल रहा है, मणिलाल पाटीदार क्यों नहीं गिरफ्तार किया उसको, मणिलाल पाटीदार को जो बीमारी की हत्या करके गिरफ्तार है अभी। गायत्री प्रजापति की बात बताइए कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डाटा वो होगा, लेकिन आप ये बताइए कि मणिलाल पाटीदार कहां गिरफ्तार है? अरे भाई आसमान निकल गया, जमीन खा गई उसको, मणिलाल पाटीदार को एक व्यापारी की हत्या में। गायत्री प्रजापति बोलेंगे, जो गायत्री मंत्र आप पढ़ रहे थे वो बोलेंगे। अरे आप गायत्री मंत्र पढ़िए, महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब आपके झांसे में नहीं आने वाली है। उस पर बोलिए आप कोई भी मंत्र पढ़ लीजिए। एफआईआर कब दर्ज हुई? एफआईआर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला डाटा तब दर्ज हुई, आपने एफआईआर नहीं दर्ज किया, गिरफ्तारी की। अरे आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बात करिए जो शान से अभी आपके मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहा है, प्रधानमंत्री के अंदर नैतिकता नहीं है ना, हिम्मत है कि उसको गिरफ्तार करवाए या उसका इस्तीफा दे? गायत्री प्रजापति मंत्री थे कि नहीं थे, आप मंत्री थे कि नहीं थे, बताइए ना। गायत्री प्रजापति कहां इस समय जनता सुन रही है आपको, आप बताइए शाही जी ये बताइए कि अजय मिश्रा जी का इस्तीफा कब मांग रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए जनता को, जनता सुन रही है, जनता आस लगाए आपसे, ये कांग्रेसी इस्तीफा मांग रहे हैं, आपके साफ मांग रही है आपसे, अरे आप बताइए ये बताइए कि कब आप इस्तीफा मांग रहे हैं, कब अजय मिश्रा जी का इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सिख दंगों के आरोपी थे आपने मुख्यमंत्री बना दिया उनको, नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं आप? रजी भाई सुन लीजिए क्या कह रहे हैं शाही साहब। हाँ शाही साहब, रजी साहब चाहे त्यागी जी, मैं कह रहा हूं कि जब सिख दंगों के आरोपी कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, मैं तो सीना ठोक के कह रहा हूं अगर दोषी होंगे गृह राज्य मंत्री, पुलिस कहेगी उसी दिन यही रवैया आपको, यही रवैया भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को पांच दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुनाह करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, यही रवैया आपका। अभी भी आप कह रहे हैं गुनाहगार होंगे, शाही जी आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, कहां नैतिकता बेच खाए हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन लोगों की नैतिकता, साक्ष्य मिटाने के लिए आपने इतनी कार्रवाई ढीली कर दी, साक्ष्य मिटाने के लिए भाजपा के लोगों ने कार्रवाई ढीली कर दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साक्ष्य मिटाने के लिए ये कार्रवाई ढीली कर दी। आप इस्तीफा कब ले रहे हैं ये बताइए, जनता जानना चाह रही है, प्राइम न्यूज चैनल के माध्यम से जनता पूछ रही है आपसे इस्तीफा कब ले रहे हैं अजय मिश्रा जी का। आज क्यों नैतिकता की पाठ पढ़ा रहा है जीपी यादव भाई, आज नैतिक का पाठ मत पढ़ाइए, मैं तो एक सवाल मैंने पूछ लिया उसका जवाब नहीं है आपके पास। सवाल तो आपसे गोली चली थी, भारत वर्ष की जनता उत्तर प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि जिस प्रकार से टायर से आपने कुचला है किसानों को, वो उसका दोषी जनता को जवाब दे रहा था, क्यों घूम रहा था साथ नीतीश जी के माध्यम से, स्वतः संज्ञान नहीं लिया होता तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, हमने उसके ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका इस्तीफा भी नहीं लिया। न्यायालय में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो न्याय संगत सजा होगी, न्यायालय तो स्वतः संज्ञान लिया, न्यायालय तो उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाया तब जाके उसके ऊपर कार्यवाही हुई, आप तो उसको क्लीन चिट दे दिए थे।
अरे भाई तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, डीपी यादव को न्यायालय को संज्ञान लेके FIR दर्ज कराना पड़ा। आप न्यायालय नहीं रहता तो आपको क्लीन चिट दे दिए थे, आप लोग तो कहीं रहते घूम घूम करके, क्यों नहीं दिया था? हो गई थी 20 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो गई थी। यहाँ न्यायालय का कोई अपमान नहीं हुआ, लेकिन आप लोग न्यायालय को भी झूठ बोलने बैठे। मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे क्या आप लोग तर्कहीन बात मत कीजिए डीपी भाई, खासकर आपसे तो ये उम्मीद नहीं रहती है, बाकी लोग करें तो हम नहीं कहते हैं। डीपी भाई आपसे तर्कहीन बात, अरे आप तर्कहीन कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं। यहाँ पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके ऊपर से कार्रवाई उसके बाद में FIR दर्ज हो गया। डीपी भाई से इतना प्रेम क्यों आज जाग रहा है? शाही साहब भाई अच्छा वक्ता, अच्छा वक्ता है डीपी भाई। अब मैं शुरुआत से देख रहा हूँ कि शिवपाल जी के मुद्दे पर और डीपी भाई के मुद्दे पर आप बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं नितिन जी, लेकिन देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं से किसी इनकार नहीं किया। मतलब वही मैं मैनेज वाली बात पे आ रहा था, की सारी संभावनाएं मैनेज वाली बात पे ही आ रहा था। पूरा हो चुका आपका? नहीं नहीं कोई मैनेजमेंट की नहीं, समय आपका पूरा हो चुका है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। जनता विकास झूठ रही उत्तर प्रदेश में, त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, आप त्यागी जी को ले ले, शाही साहब त्यागी जी को ले ले, फिर आपके पास आते हैं। त्यागी जी क्या कह रहे हैं? एकदम एकदम जरूरी बात कहना चाहते हैं। हाँ सर, 11 महीने से दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं जी। वहाँ इन्होंने पहले कील टुकवाई हाईवे पर, उसके बाद में इन्होंने बैराकेडिंग लगवाई किसानों के लिए, इसके बाद वाटर कैनन से इन्होंने किसानों के ऊपर पानी की बौछार करवाई, इसके बाद इन्होंने वहाँ की बिजली काट दी, इसके बाद कभी उन्हें चीनी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, किसानों ने जींस पहन ली। तो सर जल्दी कंक्लूड कीजिए, समय कम है। जी मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ये जींस क्यों पहने हुए हैं, पिज्जा क्यों खा रहे हैं, एक नैरेटिव ये बनाने लगे, इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, खालिस्तानी है। फिर टैनी जी जैसों का बयान आया, उन्होंने कहा कि 2 मिनट में मैं इलाज कर दूंगा। उधर मुख्यमंत्री खट्टर हरियाणा के, उन्होंने कहा 1000 नौजवानों को लक्ष्य लेके तैयार रहने के लिए कहा किसानों को पिटाई करो, 2-3 महीने आप जेल भी रहोगे तब आप लीडर बन जाओगे, जमानत की चिंता मत करना। एक ये नैरेटिव लगातार 2 रुपए की ट्रोल आर्मी इन लोगों ने बनाई, और ये जो अहिंसा के तौर पर आंदोलन लगातार चल रहा है, इसमें ये चाह रहे हैं कि हिंसा भड़क जाए, चाहे किसानों की तरफ से या जो इन्होंने एक भक्त आर्मी, अंधभक्त आर्मी जो बनाई हुई है ट्रोल आर्मी, चाहे उनकी तरफ से यहाँ वायलेंस हो जाए और यहाँ अराजकता हो जाए। उस अराजकता में ये अपने हाथ से निकले और इन 3 कृषि कानून को ये लागू कर ये पास साफ हो जाए। लेकिन यहाँ मंत्री पुत्र ने अपनी गाड़ी के नीचे नरसंहार कर दिया, आप सब लोगों ने वीडियो में देखा, उन्होंने नरसंहार कर दिया। जीप जो है गाड़ी वो किसानों के ऊपर सीधे चढ़ा दी, उन्हें मार दिया, और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, नहीं तो मंत्री पुत्र लगातार भाषण दे रहे थे। और वो मोदी जी लखनऊ आए थे तो मंत्री जी और सैनी और उनके पुत्र वो मोदी जी की रैली को भरने का काम भी कर रहे थे। ठीक है, हो गया सर, हो गया जवाब। शहीद कर सकते थे, एक लाइन बोल सकते थे शहीदों के लिए, शहीदों के कारण हुए, लेकिन इन्होंने एक लाइन नहीं बोली। 15 मिनट में ये पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर से मोदी जी लखीमपुर, लेकिन ये वहां भी नहीं पहुंचे। ठीक है, हो गया सर, हो गया, प्लीज हो गया, हो गया। हाँ शाही साहब कोई जवाब? मेरा ये कहना है कि देखिए त्यागी जी बहुत लंबा भाषण दे लिए, त्यागी जी आने वाले दिन की बात करिए, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, मगर ये देखते हुए कि संवेदना भी व्यक्त की जाती है, किसी चीज की माखौल नहीं उड़ाया जाता है, तो लखीमपुर के जो मरे हुए मृतक जो भी है, दुखद मृत्यु जिसकी भी हुई है, सबके ऊपर संवेदना व्यक्त करिए। और हनुमानगढ़ पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि वहां भी एक दलित की पीट पीट कर हत्या की गई है, वहां के बारे में भी कुछ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं हर जगह दुर्घटना और कभी भी हत्या हत्या होती है, कहीं भी उसको कोई सफाई नहीं दे सकता, न्याय अपना काम करे, और हम दोषी के साथ कभी नहीं है ना आगे रहेंगे। दुर्घटना हो सकती है, ये तो सरासर हत्या की है ना, ये तो सरासर हत्या। हनुमानगढ़ में क्या हुआ? ये सरासर हत्या की, आपने देखा वीडियो में कि थार गाड़ी सभी किसान भाइयों के ऊपर चढ़ाते हुए। अरे हमने तो ये भी देखा कि लाठियों से कैसे पीटा गया, पहला वीडियो तो उसी का था। आपने देखा जी, एक बात बताइए, अगर गुंडे किसी गांव में हमला करते हैं, किसी निर्दोष के ऊपर हमला करते हैं, आप निर्दोष के साथ हैं कि उन गुंडों के साथ हैं? तो मैं दो चार नंबर जाएंगे, आप बार बार कह रहे हैं उन गुंडों के पक्ष ले रहे हैं, दुर्भाग्य शाही जी की आप बार बार उन गुंडों के पक्ष ले रहे हैं, आप गुंडों के पक्ष ले रहे हैं। अगर गुंडे किसी निर्दोष को माने जाएंगे तो क्या निर्दोष को मानेगा? नहीं, किसी ने हक नहीं दिया है आपको,
बेटे ने संविधान में हक देता है आपको, संविधान में हक नहीं है ये सरिया कानून नहीं लागू है हिंदुस्तान में। सरिया कानून तो आपके मंत्री जी लागू कर रहे हैं, मंत्री जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनका बेटा सरिया कानून लागू कर रहा है, लोगों के ऊपर नरसंहार कर रहा है, गाड़ियां चढ़ा रहा है, आप दूसरे को क्या कहेंगे सरिया कानून के बारे में? पहले अपने मंत्री को देखिए, जो मंत्री गृह मंत्री है जिसके ऊपर कानून व्यवस्था का पूरा राज कायम करने की जिम्मेदारी है, उसका पुत्र और वो स्वयं मिलकर के लोगों को चल रहा है और आप कह रहे हैं सरिया कानून के रूप में, बस आएगी क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ने उस हत्यारे के बचाव में आई, उससे प्रतीत हो गया है कि आप हत्यारों के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हत्यारों के साथ रहती है। चलिए इसको स्वीकार कर, हत्यारे हत्या करने जाते हैं, अगर उनकी जान चली गई तो आप उनके साथ खड़े हैं। डिबेट खत्म करने का समय हो गया, ठीक है, आप सभी का ठीक है त्यागी जी, हो गया प्लीज त्यागी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा अपडेट यही है कि पुलिस रिमांड के लिए सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और 3 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो दी गई है आशीष मिश्रा की पुलिस को, कल से ये रिमांड जो है वो शुरू हो जाएगी। और लखीमपुर से यही सबसे बड़ी खबर जो है ये आई है इस वक्त की, आशीष मिश्रा की जो कस्टडी की रिमांड पर जो बहस पूरी हो चुकी है और उसमें करीब 3 दिन का जो समय है पुलिस को दिया गया है कि आशीष से पूछताछ करी जाए। 15 अक्टूबर तक ये जो रिमांड है वो चलेगी, आशीष की पुलिस अपनी रिमांड में रखेगी, पूछताछ करेगी, कस्टडी में पूछताछ करेगी, एसआईटी की जो टीम है वो भी पूछताछ करने वाली है आशीष से। तो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आज सीजीएम में ये सुनवाई हुई थी। बहरहाल आज इसी मुद्दे पर हमने डिबेट भी करी और हमने प्रयास यही किया कि आगे की क्या लड़ाई, आगे की क्या तैयारी है। तो साफ तौर पर विपक्षी दल जो है वो अपनी अपनी रणनीति सेट किए हुए हैं, न्याय यात्रा, रथ यात्रा और कई सारी और यात्राएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएंगी और जनता तक ये बताने की कोशिश करेंगी कि मौजूदा सरकार ने कहां पर कमियां रखी और जो दमदार सरकार के पोस्टर लगाते हैं कैसे उन्होंने इस पूरे मामले में हिला हवाली करी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर फिर से वही बात कही जा रही है कि पूरी जाँच पड़ताल हो रही है, सब कुछ बेहतर तरीके से हो रहा है, जो आरोपी है उससे पूछताछ हो रही है, अगर आरोप सिद्ध होंगे तो सजा भी उसको होगी। तो अब देखना ये होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन 22 के चुनाव में ये इफेक्ट बहुत ज्यादा डालने वाला है बीजेपी के ऊपर भी और कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ये विपक्षी दलों के लिए होने वाला है। आज की डिबेट में इतना ही, हमें जन्मति नमस्कार।